आया News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बोले देवेंद्र प्रताप सिंह, पिताजी मैदान में हैं इसलिए मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। लोगों का मानना था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी तय करेगी कि मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं। पिताजी को जिताने की पूरी जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। पिताजी की अगली भूमिका क्या होगी कोई नहीं जानता, बीजेपी में क्या होने वाला है और क्या होगा किसी को पता नहीं है। आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से चुनावी मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने, और इसी के साथ नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का बयान भी सामने आया। मध्य प्रदेश बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव मैदान में हैं और इस समय मेरे साथ हैं उनके बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह जी। देवेंद्र जी, अब तोमर साहब जो हैं चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया? पार्टी का आदेश है और जैसा कि आप सब जानते हैं मेरा पिता संगठन के समर्पण सिपाही रहे हैं, हमेशा समर्पण उन्होंने पार्टी के प्रति दिखाया है। और एक बार आपको याद होगा शायद 2008 में जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे पार्टी के, उनके नेतृत्व में चुनाव होना था और उसमें वो विधायक हुआ करते थे, तो उन्होंने तय किया था कि मैं पूरे मध्य प्रदेश में घूमकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करना है, तो उन्होंने उसमें तय किया था कि विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो यही एक संगठन के प्रति जो समर्पित सिपाही की भावना है उसमें खुद तय किया था। आज पार्टी ने खुद तय किया है कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है, तो हम आशान्वित हैं, अच्छे रिजल्ट आएंगे, रिकॉर्ड मतों से वो जीत कर आएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम अच्छे से चुनाव जिताकर पिता के लिए, पिता को भी लाएंगे और अन्य जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी लेके आएंगे। क्योंकि कद काफ़ी बड़ा है, केंद्रीय मंत्री हैं, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक हैं, तो क्या ये मैसेज है कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलने जा रही है आगे? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है इसके विषय में तो किसी को कुछ पता होता नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं सामूहिक निर्णय होता है, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठकर निर्णय करते हैं। और मुझे लगता है अगर चुनाव में जाने का निर्णय होगा तो भारतीय जनता पार्टी की जो संसदीय दल की बैठक उसमें तय हुआ होगा कि मेरे पिता को चुनाव लड़ना है, प्रहलाद पटेल जी को चुनाव लड़ना है, कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव लड़ना है, फग्गन सिंह कुलस्ते जी को चुनाव लड़ना है, राकेश सिंह जी को चुनाव लड़ना है, और भी कई बड़े चेहरे हो सकते हैं चुनाव लड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सब पार्टी सामूहिक निर्णय करती है, तो पार्टी ने कुछ अच्छा सोचा होगा, कोई रणनीति पार्टी की रही होगी, उसके तहत उनको चुनाव लड़ाया है। और यदि फिर भी पार्टी मौका देती है तो तैयार हैं? मैं इस का जवाब देने के लिए सक्षम नहीं हूँ, पर यही कहूँगा पार्टी के लिए काम करना है और काम करते रहेंगे। तो ये थे देवेंद्र सिंह प्रताप सिंह तोमर जो कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे हैं और इस समय कह रहे हैं कि पिता के लिए काम करना है। और जहाँ तक रही बात चुनावी मैदान की, तो उनका ये कहना है कि पार्टी का जो फैसला होगा, लेकिन फिलहाल वो पिता की चुनावी तैयारी में व्यस्त हैं। कैमरामैन संजय के साथ राकेश चतुर्वेदी, News 24 भोपाल। और साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर को प्रत्याशी बनाए जाने पर कांग्रेस का हमला, दिमनी से कांग्रेस विधायक रविंद्र सिंह तोमर ने निशाना साधा है, बीजेपी का डर और बौखलाहट साफ दिख रही है, ये बात कही है। जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया, नरेंद्र सिंह तोमर को 50,000 वोटों से हराऊंगा, ये बड़ा दावा कर दिया है रविंद्र सिंह तोमर ने। आपको बता दें कि दिमनी से चुनावी मैदान में उतरे हैं नरेंद्र सिंह तोमर और इस बीच